हेलो, अज आप स्ट्रक्चर करनी है जी। नाम है हेड बैटर, बहुत ही यूनीक है तो कुछ घट ही लोगों को पता होंगे हेड बैटर बारे। ये बहुत खास है, अपना अक्सर इस तरह की हेड बैटर की पंजाबी गल करते रहने हैं, जिमें यदा मीनिंग की है। पहला देखो पंजाबी जी का मीनिंग है चंगा होवे जेकर, ठीक है। आप गल करते रहे चंगा होवे जेकर यार वो वापस आ जाए, चंगा होवे जेकर वो पढ़ लवे, चंगा होवे जेकर जे वो पढ़ के वड्डा इंसान बन जाए, यह जी गल आप करते रहने। पर उन्हां वास्ते इंग्लिश जो वधिया है जो सही है वह है हैड बैटर, ठीक है जी। चंगा होवे जेकर हैड बैटर ध्यान रखियो जी। अगे जी एक होर ये की है ब्रैकट रख लीए, जदों सलाह देनी होवे, जदों सलाह देनी होवे, ठीक है, उदो ध्यान रखियो हैड बैटर यूज़ करने। चंगा होवे जेकर तुसीं आह काम कर लवो, है ना, आप सलाह दें, सलाह देनी होवे चंगा होवे जेकर यूज़ होता होवे सेंटेंस दे विच हैड बैटर यूज़ कर लो तुसीं, ठीक है जी। सौखा काम है जी। हूँ याद रखो जो सलाह देने वो यूज़ करना हैड बैटर में। हूँ ये सेंटेंस की कंडीशन की होगी आप ध्यान करते हैं, ठीक है जी। पहला तो आप की है सब्जेक्ट आप चाहिए ही चाहिए जी, ठीक है जी। सब्जेक्ट हो गया जी, सब्जेक्ट तो बाद आप चाहिए जी, हम सब्जेक्ट तो बाद उ हैड बैटर चाहिए जी। आप उस तो बाद की चाहिए जी, आप उस तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म चाहिए है जी, प्लस ऑब्जेक्ट रिलेटड है पुराने चीज़ा ना ही है, बस हैड बैटर आ गया वर्ब की फस्ट फॉर्म लगेगी अपने को, ठीक है। इस चीज़ों के अकॉर्डिंग ही अपना की सेंटेंस बना सकते हैं। पर याद रखो इंग्लिश दे विच जे ये सेंटेंस बनाने ने हैड बैटर वाले तो वो वास्ते ये कंडीशन है जी, ठीक है। पर पंजाबी वास्ते की कंडीशन है जी आप चैक करते हैं जो सेंटेंस लिखते हैं जी, ठीक है। थोड़ा जहा चेंज हो जूगा पंजाबी। लो जी अगे सेंटेंस आप लिख लिया जी पंजाबी दे विच सेंटेंस, चंगा होवे जेकर सरकार गरीब लोगों की मदद करे, ठीक है जी। सेंटेंस पंजाबी विच हैड बैटर का सेंटेंस है जी ये। पर आप कंडीशन की इंग्लिश दे विच की सब्जेक्ट पहला लगता जी, पर ये ध्यान दो जो चंगा होवे जेकर जो तो सेंटेंस करने होंगे या सलाह देने दे टाइम आप जी गल करनी होंगी है तो वो चंगा होवे जो जेकर है जी ये सब तो पहला लगता जी, ठीक है जी। ये मेन अगे ही रहिंदा है जी, अगे रहूगा चंगा होवे जेकर, उस तो बाद सिंपल सेंटेंस जिवें अपने आम होंदे आ उस तरह के रहिंदे ने। चंगा होवे जेकर सरकार गरीब लोगों की मदद करे अगे, उस तो बाद चंगा होवे जेकर तो पता लग गया जी आपां नूं की है हैड बैटर है जी, ठीक है जी। उही अगे सरकार की है जी, सरकार गरीब लोगों की मदद करे, सरकार मेन मैं जिहड़ी कि काम कर रही है गरीब लोगों लई तां सब्जेक्ट हो गया जी ये। उस तो बाद कम की हो रहा, गरीब लोग कम नहीं हो रहे मदद हो रही है तो ये की है वी वन होगा जी, मदद होगी। जो रेस्ट पार्ट बच जाता है जी अपने को होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, आप कंडीशन मैं दोबारा फिर लिख देना जी। सब्जेक्ट है जी अपने को पहला, उस तो बाद हैड बैटर है जी, उस तो बाद वी वन है जी, उस तो बाद ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है। इस अकॉर्डिंग बनावेंगे सब्जेक्ट की अपने को जी, पहला जी अपने को गौरमेंट है जी, गौरमेंट सरकार सब्जेक्ट गौरमेंट है जी, घेरे च पाली है। उस तो बाद की यूज़ करना हैड बैटर, उवें लिख दो जी हैड बैटर, ठीक है जी। उस तो बाद की यूज़ करना वी वन करना, काम की हो रहा है जी मदद हो रही है, मदद नूं आपां की कहने जी हैल्प कहने, लिख दो जी हैल्प लिख दो। उस तो बाद गरीब लोगों की बस हैल्प तो बाद लिख दो पुअर पीपल, ठीक है जी। सौखा जहा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है आप वधिया तरीके लिख लिया किवें गवर्नमेंट हैड बैटर हैप पुअर पीपल, ठीक है जी। सौखा जी सारा वधिया जी। अगे होर करते हैं सेंटेंस ये जी, हाँ जी अगे आप करते हैं सेंटेंस कुछ हैड बैटर दे। चंगा होवे जेकर सरकार जनतक थावां ते कैमरे लगाए, ठीक है जी। सलाह देने की गल कर रही है सरकार नूं, सरकार भी थावां ते कैमरे लगा दे, जनतक थावां जिहड़ियां कि पब्लिक प्लेसिस होंदियां ने भी उत्थे जरूरी है, कोई चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता तो कैमरिया तो पता चल सके भी किस तरह होया है। पर चंगा होवे जेकर हैड बैटर
सलाह दे रहे ने, लोग दे रहे ने, वेले बैठे कोई भी सलाह दे दिंदा तो वह भी सेंटेंस बनाया गया। ये आप पहला लभ लिया चंगा हो जेकर लिखा होया, ठीक है, तो यदा मतलब हैड बैटर है जी। उस तो बाद सरकार, सरकार की है सब्जेक्ट है जी अपने को, ठीक है जी। उस तो बाद काम की हो रहा जी, लगाना काम हो रहा जी, ठीक है जी। ये वी वन हो गया जो बच गया जी, बाकी इनू आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है जी। उस तो बाद पहला की करना आप सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट की जी अपने को गवर्नमेंट है जी, अपने को गवर्नमेंट। उस तो बाद आप लाना जी अपने याद होना हैड बैटर यूज करना आप जी, हैड बैटर ना शांति ना उही लिख दो जी, हैड बैटर। हैड बैटर तो बाद वी वन यूज करना आप, वी वन मतलब काम की हो रहा है, इतने काम हो रहा जी, इतने लगाना, लगाउन दी इंग्लिश की होगी, लगाउन दी इंग्लिश अप्लाई भी होंगी है, इंप्लीमेंट भी होंगी है। पर जदों कोई कंप्यूटर दी कंप्यूटर होवे या कंप्यूटर वगैरह चीज़ जिवें कि आप इलैक्ट्रॉनिक चीज़ कह दिए, उन्हों की लगाना होवे तां एक सुनिया हुआ वर्ड है जी, उन्हों ही यूज़ किया जाए, इंस्टॉल, ठीक है जी। जदों भी कंप्यूटर टाइप जिहड़ी चीज़ा होणगियां इलैक्ट्रॉनिक होणगियां चीज़ां, उन्हां नूं लगाउण वास्ते आपां की करना इंस्टॉल वर्ड यूज़ करना, उत्थे अप्लाई इंप्लीमेंट वर्ड यूज़ नहीं होणगे, ठीक है जी। हुण ध्यान रखियो अगे तो। ते उस तो बाद इंस्टॉल वर्ब हो गया जी। उस तो बाद की रह गया जनतक थावां ते, ठीक है जी। हुण जनतक थावां किहड़ियां होंदियां जी, ठीक है जी। जनतक थावां तो पहला एक होर चीज़ दिख रही है आपां नूं जी, कैमरे लगाउणे, आपां कैमरे लगाना, ते कैमरे दी इंग्लिश की हो सकती है जी, कैमरा तो कैमरा भी होंगे सी ए एम ई आर वाला, ठीक है जी। पर जिहड़े कैमरे होंगे ने इस तरह के, उन्होंने की कह सकते आप, सी सी टी वी भी कह सकते हैं। एक होर बहुत खूबसूरत वर्ड है वो होंगे जी सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है जी। सी सी टी वी या सिक्योरिटी कैमरा। तो हूँ लगाने कितने है जी, ये लगाने है जी एट पब्लिक प्लेसिस, ठीक है, जनतक थावान पर। गवर्नमेंट हैड बैटर इंस्टॉल सी सी टी वी और सिक्योरिटी कैमराज एट पब्लिक प्लेसिस, ठीक है जी। थोड़ा जहा नवी चीज़ें पता लगियां अपन, जो इंस्टॉल वर्ड किमें यूज़ करना जी, कितने करना जी। सी सी टी वी होंगे एक तो जी वर्ड, एक होंगे सिक्योरिटी कैमराज, एक होर होंगे जी आप अगले सेंटेंस करा जी अगे कि क्लास के। ओके, पब्लिक प्लेस हो गए, जनतक थावान जी, ये चीज़ा सारिया अपन पता लग गई कि वधिया वोकैबुलरी ये, ठीक है जी। ये ध्यान यूज़ करना। अगे अगला सेंटेंस है जी, चंगा होवे जेकर, उस तरह ही चंगा होवे जेकर। नौजवान खूनदान कैंप लगाउन, ठीक है जी। सलाह दी किसी ने भी, लोग नौजवान मुंडे भी तुरे फिरते रहते हैं, तो इन्हों की लगाना चाहिए, इन्हों खूनदान कैंप लगाना चाहिए। तो खूनदान कैंप लाया जाए तो किसी ने सलाह दी है जी, तो अपने पता लग गया चंगा होवे जेकर है जी, तो हैड बैटर यूज़ होगा जी, ठीक है जी। उस तो बाद कम किन्ना ने करना जी, नौजवानों ने, मेन बंदे ये ने, सब्जेक्ट है जी घेरे ज लेंदे, ये कम की हो रहा जी, इतने लगाना हो रहा जी, है ना जी। कम इतने कैंप खूनदान कैंप लगाया जाएगा, लगाना की हो गया जी, वी वन कम हो रहा है, जो बच गया जी अपने को ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है जी। ओके, हुण इहनू बनाउणा कि जी, पहला की है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट की है जी अपने को। हुण एक होंगे जी यूथ, एक होंगे जी यंगस्टर, ठीक है जी, यंगस्टर। हुण आप इत्थे की यूज़ करना, इत्थे यूथ भी हो जूगा, यंगस्टर्स भी हो जाएंगे, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। आपां किहड़ा करना, देखो एक होंगे यंगस्टर जिहड़ा कि लोग एवें तुरे फिरते ने, है ना, भी थोड़ा जिहा नैगेटिव वे लैके आना तो यंगस्टर्स लिख लो, यूथ्स लैके आना तो जो कैंप कैंप वगैरह लगाने तो यूथ्स वर्ड लिख सकते हैं आप यूथ्स लिख लिया। उस तो बाद हैड बैटर का आप लिखने हैं जी, लिख लिया जी हैड बैटर। उस तो बाद मेन चीज़ इतने लगाना, देखो लगाया उपर भी सी आपां इतने, ठीक है जी। तो इतने मैं इंस्टॉल वर्ड लिखा सी, इतने कैंप लगा रहे हैं, इतने लगाने की इंग्लिश की लिखा जी आप, यही तो खास चीज़ है जी। देखो एक वर्ड हैगा जी ऑर्गनाइज, आपां कोई भी प्रोग्राम करते हैं, है ना, तो उस तो यूज़ करते हैं ऑर्गनाइज वर्ड भी, असी ऑर्गनाइज किया, बहुत वधिया वर्ड है, ज़्यादातर यही यूज़ होंगे। पर जदों थोड़ी जी इंग्लिश आपकी वधिया दिखाउणी होवे तां आह वर्ड यूज़ होंदा जी, ठीक है जी। ऑर्गनाइज जां होल्ड, होल्ड भी की है, इहदा मीनिंग भी की है, लगाउणा ही है,
ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਲਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਯੂਥ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਆਪ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਗਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਲਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।